आज हमारे स्टूडियो में है मिस्टर अशरफ अली, जो बेंगलोर से हैं और बेलगाम से हैं स्पेशली, और यहाँ पर आकर उन्होंने स्पा का कोर्स किया है। अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका पहले क्यों उन्होंने एडमिशन लिया और उसके बाद उनको क्या-क्या चैलेंजेस दिमाग में आए। जी अशरफ जी। सर, मैंने स्पा का एडमिशन लेने का तो सोचा, मेरे दिमाग में था कि मैं एक स्पा ओपन करूं। फिर मैंने सर्च किया गूगल पे। गूगल पे सर्च करने के बाद मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिले। चलो, गोवा में एक इंस्टीट्यूट मिला, तो फिर मैंने सोचा मुझे वहाँ नियर हो जाएगा, हाँ, नज़दीक हो जाएगा, वहाँ जाऊँ। आपके बेलगांव से गोवा नज़दीक है। नज़दीक हो जाता है, नियर हो जाता है, तो मैंने सोचा वहाँ जाऊँ। फिर मैं सोचने लगा कि वहाँ के थोड़े फोटोज देखे, उनके रिव्यूज देखे, देखने के बाद पता चला कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला है आपके बारे में, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट जो है। फिर पता तो चला, फिर आपसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद चलो कर लूँगा, यहाँ पे आपने 10% एडवांस मांगा तो मैंने पे कर दिया। पे करने के बाद हुआ यूँ कि 10% तो पे किया है। फिर मैंने तो सोचा नहीं वहाँ जाने के बाद रहूँगा कहाँ पे, खाऊँगा क्या, बहुत चेंज हो जाता है। हमारा कल्चर अलग है, मुंबई का अलग है, अलग है। हाँ, यहाँ की भाषा अलग है, हमारे यहाँ अलग है। मैं तो पहले कभी मुंबई आया ही नहीं, तो ये मेरे लिए चैलेंज था बहुत बड़ा। ओके, तो ये चैलेंज कैसे सॉल्व हुआ आपका, रहने का और खाने का? क्योंकि काफी सारे लोग आपको देख रहे होंगे और उनके पास भी ये चैलेंज होता है कि यार, हम इंस्टीट्यूट में कोर्स तो करना चाहते हैं बट रहने और खाने का कुछ पता नहीं होता है। तो बेटर है कि मैं उनको बताऊं कि आपका अभी लाइव एक्सपीरियंस हुआ है रिसेंटली, तो आप ही शेयर करें। इसको भी मैंने गूगल पे सर्च किया, ओके। सर्च किया तो होटल्स देखे, दो तीन होटल्स देखे, वो भी सर्च किया। तो 2-3 किलोमीटर दूर तो है, ओके, थोड़ा एक्सपेंसिव लगे मुझे, और एक्सपेंसिव है, ट्रैवलिंग का भी एक इश्यू होने लगा। मुंबई में ओके। ट्रैफिक भी रहता है और टाइम पे आना, तो मैं सोचने लगा, एक वक्त तो ऐसा है 10,000 रुपये तो दे दिया, हाँ एडवांस तो दे दिया। फिर हाँ मैं सोचने लगा चलो गया तो गया, हाँ क्या करेंगे, वहां हाँ जाके पछताना तो ना पड़ेगा हाँ ना। हाँ तो फिर मैंने क्या किया, चलो एक बार सर से पूछ लेंगे, तो आपको और कांटेक्ट किया मेरे से मैंने। पूछने से पहले क्या ऐसा भी फीलिंग आया कि इतना तो कोर्स का फीस नहीं है जितना होटल का खर्चा हो जाएगा? जी, वो बिल्कुल सही बात है आया ये सर, दिमाग में बात? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। ओके ओके। सोचो, मैंने जहाँ पे सर्च किया वहाँ का हाँ पर डे मैंने देखा 2,000 रुपीज है, करेक्ट। हाँ, तो मुझे रहना है पर डे में 2,000 पे कर और रहा कोर्स हूँ, का फीस ही 10,000 रुपीज है एक टेन फाउंडेशन थाउजेंड स्पा एक का। फाउंडेशन का अंदाजा टेन अंदाजा। थाउजेंड अंदाजा हो जाता है, हाँ तो 2,000 पर डे मैं दे दूंगा। फिर हाँ खाने पीने का अलग से करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली लगेगा ना कि आप जो कोर्स में कर रहा हूँ उसका फीस कुछ भी नहीं है, जो रहने जो मैं रहने पे खर्चा कर रहा हूँ, करेक्ट करेक्ट। ऐसा हो जाता है। तो क्या सोल्यूशन मिला आपको? सॉल्यूशन तो आपसे ही मिला मुझे तो आपको व्हाट्सएप किया था मैंने इसके लिए, तो आपने मुझे बताया स्टार्ट ऑटोमेटिक के बारे में। तो गूगल पे मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद पता चला चलो ठीक है, 300 रुपीज़ पर डे चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आके रह लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ से आया, आने के बाद देखा जैसा मैंने गूगल पे सर्च किया था बिल्कुल वैसा ही था, क्लीन है, हाइजीनिक है, ओके, डोरमेट्री क्लीन है, हाइजीनिक है, हाइजीनिक और 300 पर डे आप बोल रहे हो। ओके, कितना दूर है यहाँ से? है। यहाँ से 3-4 मिनट का तीन फासला चार है मिनट बस, वॉकिंग वॉकेबल डिस्टेंस ओके है। ओके बिल। हाँ, खाना मिल जाता है वहीं पे, खाना अंदर ही मिल अगर जाता है? खाना चाहे तो ओके, एक्स्ट्रा अच्छा कॉस्ट? बनाते हैं, हाँ एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर नहीं खाना चाहे तो आप पास में 2-3 होटल है वहाँ से भी हाँ खा सकते हैं। ओके। तो जो बाहर की जगह है वो भी रीजनेबली प्राइस्ड है? जी मतलब कोई जेन्युइनली अगर पैशनेट है स्पा को सीखने के लिए तो आप लोगों के लिए, सबके लिए मैं बता दूं कि आपको ट्रेवलिंग का चैलेंज नहीं होना चाहिए और स्टे के जी बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये चीजें कब में भी आप कर सकते हो और जी वैसे भी जी कोर्स का फीस तो वैसे भी रीजनेबल ही है। रीजनेबल ही है। ओके, तो अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि चलो आपका खाना रहने का अरेंजमेंट हमने सॉर्ट आउट, आपने अभी लाइव एक्सपीरियंस भी सुना, और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका स्पा का? ऑसम रहा सर, ऑसम। ऑसम, मैं ओके। 5 स्टार देना चाहूंगा इसके लिए, अच्छा हाँ इसलिए कि थेरी सेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सिखाया और नोट्स भी बहुत अच्छे दिए। जितना मैं एक्सपेक्टेशन लेके आया था यहाँ पे उससे ज़्यादा ही मिला है मुझे। ओके, तो उससे थेरी से बेहतर तो प्रैक्टिकल्स थे, तो करेक्ट करेक्ट। आपके यहाँ से प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ, प्रैक्टिकल से मैं और ज़्यादा नॉलेज मिला। इसमें तो प्रैक्टिकल लगता ही है, करेक्ट, बिना अगर प्रैक्टिकल के तो बिना हुआ ही नहीं। प्रैक्टिकल तो होगा ही नहीं। तो मेरा मानना है कि आपके इंस्टीट्यूट ने
जो कोचिंग जो ट्रेनिंग दी है वो 5 स्टार वाली स्टेशन। अच्छा एक क्वेश्चन है जो शायद आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में भी चल रहा होगा कि हम बोलते हैं कि वीकली सेशन है, हालांकि उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है कि वीक में एक ही क्लास हम कंडक्ट करते हैं जो कि लोकल मुंबई से लोग आते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो वहां पर अभी उसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस करना पड़ता है क्योंकि रहना और खाने के कॉस्ट को सेव करना होता है। यानी कि अगर आप 4 सेशन अटेंड करने आए हैं तो आप 4 वीक की बजाय 4 डेज लगातार एक एक सेशन अटेंड कर सकते हैं। बट मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि आपने भी वही प्रोटोकॉल फॉलो किया है, तो लगातार अटेंड करना भी क्या 4 सेशन में 2 थेरेपी का मास्टर बनना वाकई में पॉसिबल है? मैं अभी आपसे जेन्युइन फीडबैक जानना चाह रहा हूँ। जी पॉसिबल है, पॉसिबल है, मेरा मानना है। हाँ पॉसिबल है। ओके अब कर सकते हैं आप, जब आपके अंदर सीखने का जुनून हो ना। हाँ तो और सिखाने वाला सामने वाला पर्सन जब सही मिलेगा ना। हाँ तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। करेक्ट, मतलब आपका अगर नॉलेज सही तरीके से दी जाए, सिस्टमेटिक तरीके से दी जाए, और आई थिंक आपको भी सेशंस का कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि सुबह नहीं तो शाम को भी हम अटेंड कर रहे हैं सेशन। जी, जी। तो यानी कि 4 सेशन की बजाय एक्स्ट्रा सेशन भी आप अटेंड कर सकते हैं। और जैसा कि हमारा एक सिस्टम है कि अगर आपका कोर्स हो भी गया है, आपने सर्टिफिकेट भी ले लिया है, आप उसके बाद भी हमारी क्लासेस में आ सकते हैं। इसके बारे में पूछा था मैंने। यस, आपने पूछा था, ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, हाँ, हाँ। अक्सर क्या होता है जहाँ पर भी हम ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं वहाँ पे जो सेशन खत्म होने के बाद में ऐसा हो जाता है कि रिश्ता कट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप जब भी आपको लगे कि आपके पास आना है तो मैं बेझिझक आ सकता हूँ। करेक्ट, इवन डायरेक्टली सेशन में आ सकते हैं जो भी प्रैक्टिस का रूटीन चल रहा होता है। देखा है आपका व्हाट्सएप मैसेज, देखा मैंने पे, तो आपने ओल्ड स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया हुआ है। राइट, किया राइट, देखा राइट, है मैंने। करेक्ट, चलिए थैंक यू सो मच अशरफ जी, एंड आपसे मिलके हमें भी अच्छा लगा। तो मैं अभी आपको सर्टिफिकेट दे देता हूँ, ये है आपका सर्टिफिकेट, एंड नाउ यू आर अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्पा थेरेपिस्ट, जस्ट होल्ड ऑन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच।